मैं हूँ सुप्रिया जासिम। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। खूब श्रद्धा भाव से माँ दुर्गे को दी गई विदाई, जय माँ के जय घोष से गूंजा शहर। विभिन्न जलाशयों में किया गया प्रतिमा विसर्जित, चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। विश्वनाथ मंदिर से भक्तों के कांधे पर गई माँ। विदाई की बेला में सिंदूर खेल का दिखा विहंगम दृश्य, महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, अटल सुहाग की कामना। विभिन्न मामलों का फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, पचम्बा से हुई गिरफ्तारी, डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और दुर्गा पूजा की समाप्ति पर कई स्थानों पर आयोजित हुआ भंडारा, पचम्बा और बगंडा में भी बांटा गया प्रसाद, सैकड़ों लोगों ने उठाया स्वादिष्ट प्रसाद का लुत्फ। वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी संतोष मिश्र ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। आर्म्स एक्ट का फरार अभियुक्त पप्पू शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसे शुक्रवार को पचम्बा थाना कांड संख्या 21/18 के तहत गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। इस टीम में इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर, एसआई सत्यदीप, एएसआई नरेश यादव, आरक्षी विशाल कुमार यादव आदि शामिल थे। टीम के द्वारा फरार अभियुक्त पप्पू शर्मा का गुजरात की सूरत शहर से उसके छिपने के स्थान से पीछा किया जा रहा था और मौका पाकर पचम्बा दुर्गा मंडप से उसे दबोच लिया गया। इसके विरुद्ध पूर्व में धनवार थाना में लूट, बिरनी थाना में अपहरण, जमुआ थाना में रेप कांड पंजीकृत है। इस बाबत डीएसपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी अजर कांत झा भी मौजूद थे। मुहर्रम के दिन हुई एक लूट कांड में से संबंधित एक फरारी अभियुक्त को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई टीम जो सूरत शहर गई थी, सूरत शहर से पीछा करते हुए उसकी गिरफ्तारी पचम्बा थाने के अंतर्गत हुई। इस संबंध में पुलिस टीम जो जिसने गिरफ्तारी की है वो धन्यवाद की पात्र है और भविष्य में भी वो ऐसा ही काम करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हम एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि ऐसे अपराधियों को जो विभिन्न तरह के ग्रेव नेचर के केसेस में वांछित हैं उनको पकड़ा जा सके, उन पर अंकुश लगाया जा सके ताकि अमन चैन बहाल रहे। सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में शुक्रवार को विजयदशमी के दिन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित रही। विजयदशमी के अवसर पर शुक्रवार को पचम्बा में मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान खान पान, खिलौने आदि के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इधर आयोजन समिति की ओर से भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था। भंडारे में यहां जुटे श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया और आयोजन समिति को इसके लिए धन्यवाद दिया।
भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों लोगों ने पूरी सब्जी हलवा आदि प्रसाद ग्रहण किया। विजयदशमी के पावन मौके पर अर्घा घाट रोड में स्थित कामिनी निवास के सौजन्य से शुक्रवार को परगंडा विश्वनाथ मंदिर के समीप एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहां बारी बारी से भंडारे का प्रसाद सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। मौके पर हर तबके के लोगों की भीड़ श्रद्धा भाव से जुटती रही। बताया गया कि कामिनी निवास में रहने वाले लोगों का यह पहला साल है जिसमें परिवार के लोगों द्वारा भंडारा आयोजित किया गया है। दशहरा के मौके पर आगे भी हर वर्ष ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। भंडारे की सफलता में मुख्य रूप से रामकिशोर प्रसाद, श्याम किशोर प्रसाद, अनिल सिन्हा, निकुंज कुमार, वैभव सिन्हा, हर्ष, रीता सिन्हा, दीपिका सिन्हा, प्रीति, प्रिया, नेहा, रिचा, भव्या, ऋतिक सहित परिवार के कई अन्य लोग लगे हुए थे। वर्षों वर्ष से बरगंडा विश्वनाथ मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालु कंधे पर उठाकर उन्हें सुंदर तालाब में विसर्जित करते हैं। इस बार भी यह परंपरा कायम रही और भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में कैद किया। इस दौरान तमाम लोग मैया की प्रतिमा को कंधे पर लेकर पावर हाउस चौक के समीप सुंदर तालाब तक पहुँचे और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। लेकिन उसी का जन्मदिन में होगी, लेकिन प्रशासन के कान में पैर कुटना चाहिए। आग्रह करता हूँ इस बार प्रतिमा विसर्जन करने के लिए आगे चलो। Thank you.
हर साल दुर्गा पूजा की समाप्ति के मौके पर शानदार सिंदूर खेल का दृश्य विभिन्न मंडपों में दिखता है। इस बार भी बंगाली समुदाय के महिलाओं ने मां की विदाई की बेला में सिंदूर खेला। इस दौरान अपनी संस्कृति का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। बताया गया कि अपने सुहाग के रक्षा की कामना के साथ महिलाएं इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में शामिल हुई। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद विजयदशमी पर खूब उत्साह के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को विभिन्न जलाशयों में विसर्जित किया गया। उस दौरान भक्ति और आस्था चरम पर रही। भारी संख्या में श्रद्धालु प्रोसेशन निकालकर झूमते नाचते हुए मानसरोवर तालाब समेत अन्य जलाशयों तक पहुंचे और प्रतिमा को विसर्जित किया। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। जगह जगह सुरक्षा बल लगाए गए थे। वहीं SP सुरेंद्र कुमार झा स्वयं मानसरोवर तालाब के पास उपस्थित होकर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। मौके पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि व समाज के प्रबुद्ध तबके के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मैया के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था।
कुल मिलाकर खूब भक्ति और आस्था से तरबतर माहौल में मां दुर्गे की प्रतिमा का विसर्जन विभिन्न जलाशयों में किया गया और कहा गया कि मां अगले बरस चल दिया।
अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। खूब श्रद्धा भाव से मां दुर्गे को दी गई विदाई, जय मां के जय घोष से गूंजा शहर। विभिन्न जलाशयों में किया गया प्रतिमा विसर्जित, चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। विश्वनाथ मंदिर से भक्तों के कांधे पर गई मां। विदाई की बेला में सिंदूर खेल का दिखा विहंगम दृश्य, महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, सुहाग की कामना। विभिन्न मामलों का फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, पचम्बा से हुई गिरफ्तारी, डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और दुर्गा पूजा की समाप्ति पर कई स्थानों पर आयोजित हुआ भंडारा, पचम्बा और बगंडा में भी बांटा गया प्रसाद, सैकड़ों लोगों ने उठाया स्वादिष्ट प्रसाद का लुत्फ। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।